जी हम जी हम चर्चा जारी रखेंगे। इस समय देखें कि राजघाट पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है और सभी राष्ट्राध्यक्ष G20 में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्रों के प्रतिनिधि राजघाट पहुंच रहे हैं और वो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले विश्व को सत्याग्रह की सीख सिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और लगातार यहाँ पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। अगवानी कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग। और राजघाट का अगर ये देखें पूरा का पूरा जो परिदृश्य है, बेहद खूबसूरत तरीके से इस क्षेत्र को एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ पर शांति के मसीहा, जहाँ पर सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी चिरनिद्रा में लीन है, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं और आने का सिलसिला शुरू हो गया है इस समय विदेशी मेहमानों का। अनेक विदेशी मेहमान जो कि पहुंच रहे हैं राजघाट जो कि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अंगवस्त्र देकर, और साथ ही साथ अगर देखें तो सभी सिरिल रामफोसा, अफ्रीकन यूनियन जो कि शामिल हुआ है, जो कि अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है कल एक विशिष्ट सदस्य के रूप में, और डिग्निटीज जो हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो भारत भारतीयता के रूप को यहाँ पर देखेंगे, जो कि भारत के सत्य अहिंसा के स्वरूप को यहाँ पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं अनेक डिग्निटीज का जो कि राजघाट पहुँच रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, जिन्होंने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य की नीतियों को अपनाते हुए अपने जीवन में उतारते हुए पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से एक सत्याग्रह के द्वारा राजनीतिक विजय हासिल की जा सकती है, उपनिवेशवाद को चुनौती दी जा सकती है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्य के प्रयोग के द्वारा और सत्य के आग्रह के द्वारा अहिंसा के द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले एक विश्व का निर्माण किया जा सकता है, एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो, एक ऐसे विश्व का निर्माण जो कि विश्व कल्याण की बात करता हो, और यही विश्व कल्याण का मुख्य लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आयोजित किया गया ये G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें आए हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उन्हें कार्यांजलि अर्पित करेंगे। सत्य अहिंसा की जो सीख उन्होंने सिखाई पूरी दुनिया को, उसको आत्मसात करेंगे, भारत भारतीयता के उन मंत्रों को यहाँ पर चरितार्थ होते हुए देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस का अंगवस्त्र देकर, भारत भारतीयता का प्रतीक और साथ ही साथ खादी का प्रतीक, खादी के दिए हुए ये अंगवस्त्र जो है उनसे स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रमुखों का। और स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो ये वह स्थान है जहाँ पर शांति के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी जहाँ पर चिरनिद्रा में लीन है, लेकिन वहाँ पर जलने वाली निर्वात निष्कंप दीपशिखा सत्य अहिंसा का पाठ दुनिया में पढ़ा बताती है, एक ऐसी अलग जगाती है जो भारत भारतीयता को, विश्व बंधुत्व की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है, और उन्हीं भावों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राष्ट्र निर्माण में, नए भारत के निर्माण में लगे हुए हैं,
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख गेब्रेयेसस वो भी पहुंच चुके हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे उनका, और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख सामूहिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ही लगातार भारत कार्यांजलि भी दे रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। वो कार्यांजलि स्वच्छ भारत अभियान के रूप में है, वो कार्यांजलि गरीबों के अंत्योदय के रूप में है, वो कार्यांजलि आवास निर्माण करके विकास के पायदान पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि मैं एक जंतर देता हूँ, एक मंत्र देता हूँ, जब भी कोई कार्य करें आप, जब भी कोई निर्णय लें आप, तो आप यह ज़रूर सोचें कि आपका वो कार्य, आपका वो निर्णय अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कितना प्रभावित करे। सर्वोदय की भावना, जिससे कि अंत्योदय का मंत्र निकला, और अंत्योदय जिसको आत्मसात करते हुए पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं WHO के प्रमुख गेब्रेयेसस का। और विशिष्ट भारतीय अंदाज में खादी के वस्त्र से, अंग वस्त्र से उनका स्वागत किया जा रहा है। और महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो उन्होंने सत्य अहिंसा को एक हथियार के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सत्य अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया पूरी दुनिया को, अगर देखें तो कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मस तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम सत्य है जिससे धर्म की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र को ही आत्मसात करते हुए नए भारत के नीतियों का निर्माण हुआ, और आज एक नए भारत को दुनिया देख रहा है। गांधी कुटीर जैसी एक संरचना बनाई गई है। गांधी जी ने अपने जीवन को, चाहे वो सत्य के प्रयोग हो, चाहे वो सत्याग्रह के प्रयोग हो, उनको उन्होंने पूरी जीवन उन्होंने अपना लगाया सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए। पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है, कैसे सत्याग्रह के द्वारा औपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, औपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगवस्त्रम देकर। खादी जो कि चरखा काटते थे, जो कि चरखा काटकर, सूत काटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने का काम, ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्पना को साकार करने की नीति जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं, जो कि एक एक करके पहुंच रहे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की अनासक्ति, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, सब कुछ उनमें समाविष्ट था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज नेता, विचारक, सबने गांधी जी से प्रेरणा ली। चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, आंग सान सू की बात करें, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें, हर एक व्यक्ति गांधी जी के महान व्यक्तित्व से अभिभूत था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि भारत यात्रा और साथ ही साथ गांधी जी की समाधि की यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा बताया। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो चाहे वो मध्य पूर्व हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग हों, चाहे वो अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंध हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जहां पर बात कही जाती है, सत्य अहिंसा के द्वारा एक तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए, गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए, संवाद और कूटनीति के जरिए वैश्विक विवादों के समाधान के सिद्धांत को अनुपालन करते हुए जिस तरीके से भारत आज आगे चल रहा है, नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, विदेशी मेहमानों का, G20 में पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का, खादी के अंग वस्त्र से। खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें महात्मा गांधी के ऐसे सूक्त पिरोए हुए हैं,
ऐसे ताने बाने बने हुए हैं जिसमें सत्याग्रह भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें अस्ते अपरिग्रह की भी बात है, जिसमें ब्रह्मचर्य के की बातें कही गई हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल बिंदु थे, जो सनातन संस्कृति के मूल नैतिक नियम थे, उनके ताने बाने को पिरोकर जिस भारत का निर्माण किया गया है, उसी नए भारत को नया अभ्युदय देने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खादी के वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं। राजघाट पर इस समय पहुंच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद, इनके वालिद साहब जो कि शेख मुजीबुर रहमान, वो खुद महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे और उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसे कहा कि जब उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व का काम किया तो अनेक ऐसे मौके आए जब गांधी जी ने प्रेरणा दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला हो, या फिर शेख मुजीबुर रहमान हो, या फिर मार्टिन लूथर किंग हो, अनेक तरीके से एक समावेशी सम्मानजनक समाज की स्थापना करने का जो मंत्र दिया गांधी जी ने, उसको आत्मसात करते हुए एक विश्व का निर्माण, एक समावेशी विश्व का निर्माण जहाँ पर सत्य और अहिंसा के मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, ऐसे मूल्यों को प्रेरित करने का काम किया ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख हसीना वाजेद पहुँची हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के अंगवस्त्र से। बांग्लादेश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले इनके पिता ने गांधी जी को आदर्श तुल्य बताते हुए कहा कि अनेक ऐसे मौके जहां पर धैर्य और संयम की परीक्षा होती है, वहां पर गांधी, महात्मा गांधी एक उम्मीद और प्रेरणा स्रोत के रूप में बनते हैं, विश्व को नई राह दिखाते हैं, संघर्ष की नई व्याख्या करते हैं, सत्याग्रह का नया पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दमनकारी शक्तियों को सत्य और अहिंसा के हथियार से पराजित किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के जो हथियार का नया सत्याग्रह का निर्माण, सत्याग्रह के हथियार का निर्माण गांधी जी ने किया, वो विश्व संस्कृति के लिए, मानव कल्याण के लिए अनुपम निधि है कि बगैर किसी रक्तपात के रक्तहीन क्रांति की जा सके, और वो रक्तहीन क्रांति अनेक देशों में हुई है। गांधी के अभ्युदय के बाद अनेक देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई है, अनेक देशों का निर्माण हुआ है। और एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों की, और खादी के अंगवस्त्र के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। खादी जो कि एक वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें गांधी जी के मूल्य समाहित हैं, खादी जिसमें भारतीयता समाहित है, और उन्हीं खादी के अंगवस्त्र से स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन अगर देखें तो एक पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा अप्रतिम व्यक्तित्व है जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो भारत के मूल्यों को, भारत भारतीयता के सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक राजनीतिक रूप से नए संघर्ष के सिद्धांत को स्थापित करते हैं महात्मा गांधी जी, जहाँ पर सत्य का आग्रह है, जहाँ पर अहिंसा एक हथियार के रूप में है, जहाँ पर हिंसा को कोई जगह नहीं है, जहाँ पर रक्तहीन क्रांति की बात की जाती है, और रक्तहीन क्रांति ऐसी जिसमें सत्य और अहिंसा के हथियारों का इस्तेमाल हो। प्रवीण जुगनाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समय पहुँच चुके हैं राजघाट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अंगवस्त्रम देकर सभी विदेशी मेहमानों का और सभी राष्ट्राध्यक्षों का। भारत और मॉरिशस के संबंध अगर देखें, या फिर भारत के अन्य सदस्य देशों के साथ संबंध देखें, तो बेहद प्रगाढ़ हुए, और G20 शिखर सम्मेलन इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का एक अप्रतिम अवसर है। यहाँ पर नए दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए उपलब्धियों की नई राह दिखाई गई है पूरी दुनिया को, एक मानव केंद्रित विश्व निर्माण की व्यवस्था का जिसमें प्रतिपादन किया गया है।
मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रविंद जुगनाथ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर विदेशी मेहमानों राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और गांधी जी के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक नए आत्मनिर्भर सबल सशक्त भारत का निर्माण कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत भारतीयता के मूल्यों को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने पुनर्स्थापित कर रहे हैं उसी तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों को भी विदेशी मेहमानों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से गांधी आज भी भारत भारतीयता और भारत की संस्कृति भारत के समाज भारत की सोच भारत की विदेश नीति और भारत के राष्ट्र निर्माण की नीतियों में समाहित है। गांधी जी जो कि सर्वोदय की बात करते थे और उसी सर्वोदय के मंत्र को अंत्योदय के मंत्र के रूप में आत्मसात किया गया और पथ अंत्योदय प्रण अंत्योदय लक्ष्य अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र निर्माण की के इस महायज्ञ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ महात्मा गांधी से जुड़े हुए अनेक विवरण और तथ्य बता रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। आज पूरी दुनिया आज श्रद्धांजलि देगी। दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के समूह के रूप में राष्ट्राध्यक्ष और संगठनों के प्रमुख राजघाट लगातार पहुँच रहे हैं जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अभिनंदन कर रहे हैं भारत की परंपरा के अनुसार खादी के वस्त्रों से विदेशी मेहमानों का और एक एक करके विदेशी मेहमान लगातार राजघाट पहुंच रहे हैं। दुनिया पर अगर सर्वाधिक प्रभाव एक व्यक्ति के रूप में और सोच के रूप में अगर किसी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है तो महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालते हुए पूरी दुनिया को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, अहिंसा को एक ऐसे उपकरण और हथियार के रूप में स्थापित किया जो कि रक्तहीन क्रांति के रूप में सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महान एक हथियार के रूप में उपकरण के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वागत कर रहे हैं लगातार पहुंचने वाले राजघाट पर विदेशी मेहमानों का और गांधी जी के जीवनचर्या से जुड़े हुए अनेक बातों को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं और चकित कर देने वाला मुदित कर देने वाला महात्मा गांधी का वो व्यक्तित्व जो कि अपने जीवन भर सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपने जीवन को लगा दिया जहाँ पर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग के द्वारा भारत को स्वतंत्रता संघर्ष में नई राह दिखाई जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी दिलाई जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए विश्व के अनेक औपनिवेशिक सत्ताओं को चुनौती देते हुए नए राष्ट्रों के निर्माण में वहाँ के नेताओं को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया वही गांधी जी पूरी दुनिया के लिए श्रद्धेय हो जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्राध्यक्ष राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक निर्वात निष्कंप दीपशिखा आप देख रहे हैं जो कि हमको सर्वोदय का पाठ पढ़ाती है जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है जो कि हमको पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है जो अहिंसा को परम सत्य बताती है जो अहिंसा को धर्म बताती है और अहिंसा के अनुसरण की बात करती है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्य के अनुसरण से सत्य का स्वरूप देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य में ईश्वर का वास होता है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो सर्वोदय के द्वारा न्यास की भावना के द्वारा ट्रस्टीशिप के द्वारा उन्होंने एक ऐसे समावेशी समान समतामूलक समाज के निर्माण की संकल्पना की जिसमें कि किसी तरीके का ऊंच नीच का भेद भाव न हो जहाँ पर लोगों के बीच किसी तरीके का विभेद न हो और इस समय दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे हुए हैं राजघाट पर जहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी के व्यक्तित्व को अगर देखें तो कहा गया है कि गांधी का कर्तव्य क्षेत्र
तिक काल नहीं है, गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग के, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। अगर देखें तो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया, सत्य के संघर्ष के द्वारा नए राष्ट्रों के निर्माण में अपने साध्य और साधन दोनों की शुचिता की बात महात्मा गांधी करते थे। अगर साध्य के को हासिल करने में साधन की भी शुचिता नहीं है तो गांधी जी को वरेण्य नहीं था, वो गांधी जी को स्वीकार्य नहीं था। साध्य और साधन दोनों को शुचिता का, दोनों की पवित्रता का प्रतिपादन करते हैं महात्मा गांधी, और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए एक सत्य साधन के लिए, सत्य साधन द्वारा सत्य साध्य की बात करते हैं। सर्वोदय के सिद्धांत की बात महात्मा गांधी करते हैं, इसमें एक समतामूलक समाज की स्थापना की बात हो। भारत के अगर स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने नया राह दिखाया तो भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। चाहे वो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात हो, चाहे वो दलितोद्धार की बात हो, चाहे वो अलग अलग समाज के उन्नयन की बात हो, समूचा का समूचा उनका व्यक्तित्व समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहा। और मानवता के कल्याण का महामंत्र जो उन्होंने दिया वो दुनिया ने सत्य अहिंसा के रूप में देखा, और सत्य अहिंसा के प्रणेता के समाधि स्थल पर इस समय पूरी दुनिया पहुंच रही है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन का समूह और उनके राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पहुँच रहे हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राजघाट पर आने का सिलसिला विदेशी मेहमानों का लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के मूल्यों को दुनिया में स्थापित करते हुए खादी के वस्त्र से अगवानी कर रहे हैं। खादी के वस्त्र को अंगवस्त्र के रूप में भेंट करके विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा को दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं, और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने खादी सूत काटने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने पूरे देश को कहा कि हर व्यक्ति को श्रमदान करने के साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने आह्वान किया, सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया, ग्राम स्वराज के सिद्धांत का उन्होंने आह्वान किया। ग्राम स्वराज की जो संकल्पना उन्होंने की वो ऐसी संकल्पना थी जो कि कुटीर उद्योगों के स्थापना के द्वारा गाँव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हुए कैसे भारत का निर्माण किया जाए, जहां स्वराज भी हो, जहां सुराज भी हो, जहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर भी हो, क्योंकि गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे तो अंततः राष्ट्र हमारा आत्मनिर्भर होगा। ऐसे विचारों को देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया, और उन्हीं मूल्यों को आत्मसात करके आज नए भारत को गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के परम प्रिय वस्त्र खादी द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा उनको भेंट करके, और साथ ही साथ गांधी कुटीर के रूप में स्थापित गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने के एक स्वरूप के रूप में गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक नियमों को दुनिया के सामने एक बार स्थापित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, और भारत, भारतीयता की अगर बात करें तो उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, और महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा के द्वारा पूरी दुनिया को नई राह दिखाई, शांत के अधिष्ठाता और शांत के प्रणेता यहीं पर चिर निद्रा में लीन हैं। राजघाट भारत के हृदयों में राज करने वाले महात्मा गांधी का चिर विश्राम स्थल है, और इस चिर विश्राम स्थल पर इस समय दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि गांधी का सर्वोप्रिय वस्त्र था, जो कि जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, उन्हीं वस्त्रों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का, और साथ ही साथ गांधी जी के नीतियों के बारे में, गांधी जी के नैतिक नियमों के बारे में, गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों और सिद्धांतों को
समझा रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों को। सत्य और अहिंसा का वह पाठ जिसने पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल पर विशिष्ट छाप छोड़ी, जिसने कई देशों के भूगोल को बदल दिया, जिसने कई महापुरुषों के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये पूरा का पूरा राजघाट इस समय बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और गांधी जी यहाँ पर, जो कि हमारे हृदय में राज करते हैं, राजघाट पर एक शांति के अधिष्ठाता के रूप में, शांति के प्रणेता के रूप में चिरनिद्रालीन हैं। और उसी समाधि स्थल पर आज दुनिया श्रद्धावनत होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी। ये निर्वात निष्कंप दीपशिखा में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लौ है, ये वो लौ है जो हमारे दिलों में जलती है गांधी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के रूप में। ये वो लौ है जो कि हमें सत्याग्रह सिखाती है, ये वो लौ है जो हमें सर्वोदय सिखाती है, ये वो लौ है जो कि समतामूलक समाज के लिए हमको प्रेरित करती है। राजघाट पर G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। महात्मा गांधी ने एक समतामूलक समाज की स्थापना का जो उन्होंने सपना देखा था, एक ऐसे ही समतामूलक समाज की स्थापना के निर्माण में प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के जरिए कार्यांजलि स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और समूचा देश खुले में शौच से मुक्त हुआ। एक महत्वपूर्ण कार्यांजलि, एक विशिष्ट कार्यांजलि दी गई राष्ट्र द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। सर्वोदय के सिद्धांत को, अंत्योदय के सिद्धांत को, समाज के अंतिम पायदान के पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का अंगवस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा, खादी के वो वस्त्र जिनमें गांधी जी के सिद्धांत समाहित हैं। और विदेशी मेहमानों को गांधी जी के जीवन से संबंधित, गांधी जी के विचारों से संबंधित, गांधी जी के भारत भारतीयता के मूल्यों से संबंधित अनेक मानकों को, अनेक सिद्धांतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल गांधी जी ने भारत के आज़ादी के आंदोलन में, भारत के सामाजिक समरसता के निर्माण में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के विशिष्ट रूप में पूरी दुनिया के लिए सत्य अहिंसा का मार्ग अनुसरण करते हुए एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले विश्व की निर्माण की कामना की। भारत की विदेश नीति में, भारत की अर्थनीति में, भारत की समाजशास्त्र में गांधी जी का जो स्वरूप दिखता है वो सर्वोदय के रूप में दिखता है, वो सत्य अहिंसा के अनुनायक के रूप में दिखता है, सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में दिखता है और भारत भारतीयता के उस स्वरूप के रूप में दिखता है जो सनातन संस्कृति के मूल्यों को अपने में समाहित किए हुए पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरीके से भारत भारतीयता विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, विश्व कल्याण की बात करती है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करती है और दुनिया के कल्याण की कामना करने वाला अकेला भारतवर्ष है। और उसी भारत के अमृत काल में आयोजित किए गए G20 के शिखर सम्मेलन में आज पहुँचे हुए राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं राजघाट। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी और राजघाट पर पहुंच रहे हमारे विदेशी मेहमान, अतिथि देवो भव हमारी परंपरा, और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके नए भारत के निर्माण में लगातार प्राणपण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन जारी है राजघाट।
20% of the African गांधी जी के प्रिय वस्त्र खादी से, खादी के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का, और साथ ही साथ गांधी जी के जीवन दर्शन से परिचित करा रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के जीवन दर्शन के वो मूल सिद्धांत जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य समाहित रहा, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने रखा, जहाँ पर उन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, और सत्य अहिंसा का ऐसा पाठ जिसने कि पूरे विश्व को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया। सत्याग्रह की जब बात महात्मा गांधी करते हैं तो सत्य के आग्रह की बात होती है, उसमें हिंसा नहीं होती है, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है, और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया वो अहिंसा का वह मार्ग है जो कि जिसने कि पूरी दुनिया को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया, जिसने रक्तहीन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरी दुनिया को नई राह दिखाई कि किस तरीके से हम शांति के द्वारा, अहिंसा के मूल्यों के द्वारा अपने हित को, अपने साध्य को हासिल कर सकते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, शांति के अधिष्ठाता, शांति और अहिंसा के पथ प्रदर्शक, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो कि युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के सामने युग संस्थापक के रूप में जाना जाता है, युग निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज राजघाट पर पूरी दुनिया श्रद्धावनत होगी, विनयावनत होगी, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख पहुंच रहे हैं लगातार राजघाट, जहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यांजलि अर्पित करने का कार्य लगातार राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख ताकतवर देशों के प्रतिनिधि राष्ट्राध्यक्ष इस समय राजघाट पहुँच रहे हैं। अलग अलग शब्दों में बापू की अभिव्यंजना की गई है, कहा गया है, बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने को, अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को सतह प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। जो बीज वपन किया महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों के रूप में, चाहे वो सिद्धांत सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के हों, चाहे वो सत्याग्रह और सर्वोदय के सिद्धांत हो, चाहे वो ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प हो, उन्हीं सपनों को साकार करने में पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है, और उन्हीं सपनों को साकार करने में प्राणपण से लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वोदय के सिद्धांत के द्वारा, अंत्योदय के सिद्धांत के द्वारा, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, और स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का जो कि इस समय राजघाट पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी जी का दर्शन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक और सामाजिक सोच पूरी दुनिया को चकित कर देता है कि किस तरीके से सत्याग्रह के प्रयोग के द्वारा हम अपने राजनीतिक हितों को, अपने सामाजिक हितों का पोषण कर सकते हैं। पूरी दुनिया चकित होती है महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व को देखकर कि किस तरीके से उन्होंने भारत को औपनिवेशिक
साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाई, भारत के आज़ादी के संघर्ष को उन्होंने अग्रदूत के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और किस तरीके से भारत को उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के सामने बरतानिया साम्राज्यवाद झुका, और किस तरीके से उन्होंने अपने सत्याग्रह के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने एक समतामूलक समाज के साथ साथ रक्तहीन क्रांति का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया, जिससे अनेक दुनिया भर के महापुरुष और प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में, सामाजिक उन्नयन में, लोगों के उत्थान में उन मंत्रों को आत्मसात करते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। गांधी जी प्रेरणा पुंज हैं दुनिया भर में फैले हुए कोटि कोटि लोगों के लिए, जो कि समतामूलक समाज की संकल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं, जो कि साम्य और न्याय की बात करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों में अगर भारत भारतीयता के मूल्य समावेशित हैं, तो गांधी जी के ही सिद्धांतों को हमारे नैतिक नियम के साथ साथ संविधान में भी समाहित किया गया है, जहाँ पर हमने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन यापन और साथ ही साथ अवसरों की समानता की बात की, जहाँ पर हम साम्य और न्याय की बात करते हैं, जहाँ पर हम सर्वोदय की बात करते हैं, जहाँ पर हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं, जहाँ पर हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, जहाँ पर हम अंत्योदय की बात करते हैं, ये सारे मूल्य भारत भारतीयता में समाहित ये मूल्य गांधी जी के जीवन दर्शन में आत्मसात हुए, और गांधी जी के जीवन दर्शन से समूचे देश ने देखा और समूचे विश्व ने देखा, समूचे विश्व ने सीखा भी और देखा भी कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा के प्रयोग के द्वारा राजनीतिक क्रांतियाँ की जा सकती हैं, सामाजिक क्रांतियाँ की जा सकती हैं, रक्तहीन क्रांतियाँ की जा सकती हैं, इतिहास और भूगोल बदला जा सकता है, नए राष्ट्रों का अभ्युदय और निर्माण किया जा सकता है। अनेकानेक विदेशी विभूतियों ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया, सामाजिक समरसता के निर्माण में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया, और आज पूरी दुनिया श्रद्धावनत है सत्य अहिंसा के पुजारी के सामने। एक एक करके सिलसिला जारी है, इस समय G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्थाओं के प्रमुखों का, जो कि विशिष्ट आमंत्रित सदस्य देश है और अनेक संस्था प्रमुख हैं, वो पहुंच रहे हैं राजघाट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक के रूप में खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है, जो कि गांधी का प्रतीक है, जो गांधी के विचारों को आत्मसात किए हुए खादी का अंगवस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का, और साथ ही साथ गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनसे भी उन्हें परिचित करा रहे हैं, गांधी जी के जीवन शैली से उनको परिचित करा रहे हैं, किस तरीके के एक संत के रूप में, एक महात्मा के रूप में, एक परिव्राजक के रूप में अधनंगे रहकर उन्होंने भारत के अनेक औपनिवेशिक काल के भूखे नंगों के प्रतिनिधि के रूप में बरतानिया साम्राज्य को अपने चरणों में झुकने के लिए बाध्य कर दिया, भारत को स्वतंत्र करने की राह उन्होंने दिखाई, और जो सत्य अहिंसा का आलख उन्होंने जगाया वो आज राजघाट पर निर्वात निष्कंप दीप शिखा के तरह प्रज्वलित है, जो कि प्रेरणा देता है समूचे राष्ट्र को, समूचे विश्व को, सत्य अहिंसा का पाठ सिखाता है, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र बताता है, और महात्मा गांधी का ये चिर निद्रा स्थल हमारे लिए प्रेरणापुंज है, शांति के अधिष्ठाता का, सत्य अहिंसा के प्रयोगकर्ता का, सत्य अहिंसा का पाठ सिखाने वाले, पूरे विश्व को नई दिशा और राह दिखाने वाले महात्मा गांधी के सिद्धांतों का ये सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी स्थल है राजघाट, जहाँ पर G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान और विशिष्ट आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। एक देश में बांध संकुचित करो न इनको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। केवल भौगोलिक वातावरण में, भौगोलिक परिस्थितियों में, भौगोलिक क्षेत्रफल में गांधी के व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को समाहित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। उस विराट व्यक्तित्व का अगर देखें तो पूरी दुनिया में विराट व्यक्तित्व की अभिव्यंजना है, विराट व्यक्तित्व की स्थापना है। गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है, यह कहा गया है, यह माना गया है। और जिस विश्व के पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
G20 शिखर सम्मेलन के जो ध्येय वाक्यों में जब उन्होंने कहा कि पीपुल सेंट्रिक अप्रोच, मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत से निकलता है, वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांतों से निकलता है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइफ की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी के उन सिद्धांतों से निकलता है कि जब वो कहते हैं कि प्रकृति हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लोभ को नहीं, हमारी नीड को पूरा कर सकती है हमारी ग्रीड को नहीं। तो वो सिद्धांत, वो प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत, जलवायु संरक्षण के सिद्धांत, जिनका प्रतिपादन भारत भारतीयता में किया गया, जिनको आत्मसात किया गांधी जी ने, और उन्हीं गांधी मूल्यों के प्रतीक स्तंभ के रूप में खादी के वस्त्र से इस समय स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का, और गांधी के नीति रीति और जीवन शैली और गांधी के सिद्धांतों को समझा रहे हैं विदेशी मेहमानों को कि किस तरीके से बगैर खड़ के बगैर ढाल के साबरमती के संत ने देश की आज़ादी में योगदान तो दिया ही, साथ साथ उन्होंने मानवता के कल्याण में पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई, और वो राह है सत्य और अहिंसा की, वो राह है अस्तेय और अपरिग्रह की, वो राह है सत्याग्रह की, वो राह है सर्वोदय की। राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है राजघाट पर, राजघाट जहां पर बापू की समाधि स्थल है, राजघाट जहां पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों का निर्वात निष्कंप दीप शिखा के रूप में भारत वहां पर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित किए हुए हैं। लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और उनकी अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत, सबल भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्राणपण से जुटे हुए हैं, और साथ ही साथ 21वीं सदी के भारत को जगतगुरु भारत की पदवी पुनः दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। खादी का वस्त्र जिसमें भारत भारतीयता समाही है, जिसमें भारत भारतीयता के मूल्य समाहित हैं, जिसमें गांधी के चरखे से काते गए सूत और श्रम समाहित हैं, जिसमें श्रम और सुराज की संकल्पना समाहित है, गांधी के उस सर्वप्रिय वस्त्र खादी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। इस समय राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है राजघाट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों में अगर देखें तो G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि जो कि भारत आए हुए हैं, अतिथि देवो भव जो हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव परंपरा को उसी का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं जो कि एक एक करके राजघाट पहुंच रहे हैं। राजघाट जहां पर गांधी जी चिर निद्रालीन हैं लेकिन निर्वात निष्कंप दीप शिखा के तरह वो सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, और उसी दीप शिखा को भारत ने पूरी दुनिया के सामने मसाल के रूप में जलाने का काम किया है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के रूप में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के सिद्धांत के रूप में। जबकि भारत मानव केंद्रित विकास की बात करता है, जब भारत विश्व कल्याण की बात करता है, लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र के द्वारा विदेशी मेहमानों को। गांधी जी ने पूरे राष्ट्र से आह्वान किया था कि श्रमदान के रूप में चरखा चलाएं, चरखा से सूत काटें,
और चरखा के सूत से काते गए वस्त्रों का निर्माण ने भारत के स्वदेशी आंदोलन को उस समय सर्वाधिक गति दी जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए खादी को उन्होंने विचार के रूप में स्थापित किया और आज अगर देखें तो इस पूरे के पूरे एक दशक में जिस तरीके से भारत भारतीयता के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधीवादी मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधी के सिद्धांतों की वैश्विक पुनर्स्थापना हो रही है, उस महायज्ञ को लगातार जारी रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्राण प्रण से नए भारत के उत्कर्ष की पटकथा लिख रहे हैं, जो कि नए भारत के निर्माण में संलग्न है। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने न केवल दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदला, बल्कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया, दुनिया के अनेक देशों के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महापुरुषों को अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रेरित किया, दुनिया के अनेक राष्ट्रों ने, चाहे वो तीसरी दुनिया के देश हों, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रयोग किए और सत्य का प्रयोग जो कि उनका आजीवन चलता रहा, ऐसे सत्याग्रह और सत्य के प्रयोगों से निकले हुए सिद्धांतों को दुनिया के सामने उन्होंने रखा और दुनिया को सत्याग्रह के रूप में एक ऐसा मंत्र दिया जिसने दुनिया में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए और रक्तहीन क्रांति के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांतों के द्वारा। तो पूरी दुनिया अगर आज दिल्ली में सिमटी हुई है, प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए हुए हैं, तो इस समय वो राजघाट पहुंच रहे हैं सत्य अहिंसा के पुजारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। जर्मन चांसलर, साथ ही साथ विदेशी मेहमान, विदेशी संस्थाओं के प्रमुख राजघाट पहुंच रहे हैं और वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह और सत्य के प्रयोग के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की जा सकती है, शुभ साधन और शुभ साध्य के द्वारा किस तरीके से समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। साधन और साध्य दोनों की शुचिता के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने किसी ऐसे साध्य को स्वीकार नहीं किया जिसके अनुचित साधन हो। गांधी जी के परमप्रिय वस्त्र खादी के वस्त्र के द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का जो कि राजघाट पहुँचे हैं। और साथ ही साथ गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवनचर्या को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से गांधी जी ने आधी धोती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर साम्राज्यवादी ताकतों को भारत से खदेड़ने का काम किया। दशकों तक और आने वाले युगों युगों तक वो शांति के में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो उन्होंने सत्याग्रह का पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने अनेक रक्तहीन क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया और विदेशी मेहमान पहुँच रहे हैं राजघाट, जहाँ वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं G20 में आए हमारे विदेशी मेहमानों का। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है बापू के बारे में कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन। गांधी आज भी पूरी दुनिया के सामने प्रासंगिक हैं, वो चिर पुरातन है तो वो चिर नवीन है, और ये चिर पुरातन और चिर नवीनता का जो मूल मंत्र है वो भारत भारतीयता को अपने में समेटे हुए है,
जो कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की बात करता है। विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्र के द्वारा, और उन्हें गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के जीवनचर्या से संबंधित अद्भुत तथ्यों को बता रहे हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के प्रयोग के साथ ही साथ समूचे मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांत के द्वारा, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व तो चकित कर देता है पूरी दुनिया को, किस तरीके से रक्तहीन क्रांति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, किस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अस्थि और अपरिग्रह जो कि हमारे मूल सिद्धांत है, हमारे सनातन संस्कृति के मूल स्तंभों में है, कि आवश्यकता से ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रह न किया जाए, वो अपरिग्रह का सिद्धांत है। अस्थि जो कि चोरी न करने के सिद्धांत को कहा जाता है। ब्रह्मचर्य जो कि नैतिक नियमों के पालन की बात करता है। सत्य जिसको ईश्वर के रूप में माना गया और जिसको ईश्वर के रूप में, ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में महात्मा गांधी जी ने व्याख्यायित किया। अहिंसा जो कि जीवों पर दया करने के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा किसी के ऊपर हिंसा न करने की सीख देता है। तो ऐसे सत्य, अहिंसा, अस्थि, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को आत्मसात करके जब विराट व्यक्तित्व ने अपने जीवन को खपा दिया मानवता के कल्याण को, मानवता के कल्याण में, तो निश्चित तौर से वो महामानव भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए पूज्य हो जाता है, वरेण्य हो जाता है, समादर का पात्र होता है। और आज उसी समादृत विराट व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं राष्ट्राध्यक्ष, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं और जो कि पहुँच रहे हैं राजघाट एक एक करके, और जिनकी अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व तो किस तरीके से विश्वव्यापी है, तो अगर देखें तो चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्राज़ील हो, अनेक देशों में गांधी जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है, पार्क का स्थापना किया गया है गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे के सिद्धांत को अपनाया गया है, और अनेक देशों में गांधी जी की प्रतिमाओं को समादृत तरीके से स्थापित किया गया है। अगर देखें तो G20 देशों के बारे में ही अगर बात करें तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में डाक टिकट अर्जेंटीना ने जारी किया, ऑस्ट्रेलिया ने रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड ब्रिस्बेन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिडनी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गांधी जी के मूल्यों से, गांधी जी के जीवन शैली से, गांधी जी के सिद्धांतों से, गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक सिद्धांतों से परिचित करा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सत्य, अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व और कल्याण का महामंत्र दिया। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व तो पूरी दुनिया में बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो भारत के दौरे पर आते हैं वो राजघाट पहुंचते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बात अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो जब उन्होंने भारत यात्रा की थी तो उन्होंने भारत यात्रा को और साथ ही साथ गांधी जी की समाधि पर पहुँचने की अपनी यात्रा को तीर्थ यात्रा सरीखा बताया था। अनेक ऐसे विश्व के महापुरुष जिन्होंने अपने सामाजिक और देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया वो गांधी जी के विराट व्यक्तित्व से प्रेरित रहे। G20 देशों की अगर बात करें तो फ्रांस ने 150वीं जयंती मनाने पर डाक टिकट जारी किया था, जर्मनी ने ट्रायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का की स्थापना की है, इंडोनेशिया में अहिंसा की धारा इस तरीके से वहाँ पर बही कि वहाँ पर आश्रम गांधीपुरी संचालित होता है जो कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा की विचारधारा को इंडोनेशिया में प्रवाहित कर रहा है। इटली की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
रोम के शहर पियाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जो कि वहाँ पर स्थापित है। जब राष्ट्राध्यक्षों का भारत दौरा होता है तो राजघाट पहुँचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और जब भारतीय नेताओं का विदेश दौरा होता है तो गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारी परंपरा का हिस्सा होता है। हिरोशिमा जहाज, जिसने कि परमाणु हमले का दंश झेला, वहाँ पर हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा आरूढ़ है। कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में जो स्वदेशी आंदोलन चला और कोरिया के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में चो मान सिक ने कहा कि उन्होंने गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा ली, जब उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की, उसी तरीके से चो ने कोरिया में बने हुए सामान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा और कोरिया के लोगों से आर्थिक आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। चो ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी के उद्देश्यों के आधार पर देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई और उन्होंने गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, इटली हो, मैक्सिको हो, दक्षिण अफ्रीका हो, इन सभी देशों में गांधी जी का सम्मान इस तरीके का है कि एक महापुरुष के रूप में गांधी जी को सब वहाँ पर पूछते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरो इस समय पहुँच चुके हैं राजघाट। कतिपय कारणों से राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगमन जब नहीं हुआ तो रूस के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री सर्गेई लावरो रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए आए हुए हैं। और भारत और रूस का जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में ऐसा संबंध है जो कि कालजयी संबंध है, उन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाने के रूप में आज G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सर्गेई लावरो पहुँचे हैं। और सर्गेई लावरो इस समय राजघाट पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों का, विदेशी मेहमानों का, संस्था प्रमुखों का, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में आए हैं और आज पहुँचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विदेश मंत्री सर्गेई लावरो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और रूस का जो संबंध है वो अटूट संबंध है, समय की शिला पर हस्ताक्षरित संबंध है, टाइम टेस्टेड रिलेशन जिसको कहा जाता है, और अनेक ऐसे अवसरों पर दोनों देशों ने वैश्विक शांति और वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर में को परिभाषित करने का काम किया है। जब भारत और रूस जैसी महाशक्तियाँ दुनिया के सामने होती हैं तो देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरो का राजघाट पर। एक एक करके विदेशी मेहमानों, राष्ट्राध्यक्षों, G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के सदस्यों का आगमन लगातार जारी है राजघाट पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में अपूर्ण योगदान किस तरीके से दिया कि जब उन्होंने करमचंद गांधी के रूप में दक्षिण अफ्रीका में अपने फीनिक्स फार्म की स्थापना की, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लोगों को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, जिस तरीके से एक वकील के रूप में काम करते हुए उन्होंने सत्याग्रह की पहली सीख वहीं पर सीखी दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी के राजनीतिक और नैतिक विचारों को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया गया और अंततः दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद को दरकिनार करते हुए, नस्लभेद को दरकिनार करते हुए स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में अपने राष्ट्र को उन्होंने नए तरीके से व्याख्यायित किया। मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इटली, अनेक ऐसे सदस्य देश हैं जिनके देश में प्रधानमंत्री जिसमें जिनके देश में राष्ट्रपति आप महात्मा गांधी को बेहद समादर हासिल है, पूरी दुनिया में उन्हें समादर हासिल है, और अनेक राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान इस समय लगातार पहुँच रहे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को, जिन्होंने सत्याग्रह और सर्वोदय की सीख दी पूरी दुनिया को, जिन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, जिन्होंने विश्व कल्याण की कामना की और जिन्होंने भारत, भारतीयता और सनातन के मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दुनिया को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का राह दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्रों के द्वारा विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन शैली, जीवन दर्शन, उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह एक तपस्वी के रूप में, किस तरह
एक परिव्राजक के रूप में, किस तरह एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र निर्माण में लगाया, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने समाहित किया और अंततः भारत को आज़ादी दिलाई। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं राजघाट। राजघाट पर सभी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बर्तानिया साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला देने वाले महात्मा गांधी, जिनको कभी एक उद्धत मानसिकता ने अधनंगा फकीर कहा था, आज उसी राष्ट्र के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारत भारतीयता को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है, भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है। और ऋषि सुनक का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। खादी का वह वस्त्र जो कि सर्वप्रिय था गांधी जी को, और जो कि गांधी जी के मूल्यों को अपने में समाहित करता है, जो कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो कि स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जो कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो कि ग्रामीण स्वराज की स्थापना की बात करता है। और इसी तरीके से स्वराज से सुराज की स्थापना में लगातार लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। जोको विडोडो पहुँचे हैं राजघाट, और एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके राष्ट्राध्यक्ष पहुँच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र से, जो कि खादी पर्याय है गांधी के विचारों का, खादी जो कि पर्याय है भारत भारतीयता का, खादी जो कि विचार पर्याय है गांधी के विचार का, उससे अंगवस्त्र से स्वागत कर रहे हैं, रेशम के अंगवस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। और उन्हें गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से विश्व बंधुत्व के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हुए, किस तरीके से सर्वोदय की बात करते हुए, किस तरीके से ट्रस्टीशिप की बात करते हुए, किस तरीके से समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हुए, किस तरीके से लिंगभेद को समाप्त करने की बात करते हुए, किस तरीके से अस्पृश्यता को समाप्त करने का आह्वान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, तो उन सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया, भारत अपने समाज का निर्माण किया और आज भारत एक सबल सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल सशक्त नेतृत्व के द्वारा नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, एक ऐसा भारत जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के रूप में। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है राजघाट पर। राजघाट पर जहां चिर निद्रालीन हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों का, राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का, और साथ ही साथ हमारी जो अतिथि देवो भव परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और चरखा गांधी जी को उनके जीवन का, दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा। सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया आज़ादी के आंदोलन के समय, और इसी ने भारत के ग्रामीण स्वराज की स्थापना की। हर व्यक्ति से श्रमदान की बात आह्वान की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। स्वदेशी के आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की उन्होंने जब बात की, तो वही सिद्धांत आज कहीं ना कहीं, जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, जब हम बात करते हैं भारत के आत्मनिर्भर होने की, जब हम बात करते हैं भारत के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की, जब हम बात करते हैं खादी के वस्त्रों के उपयोग की, जब हम बात करते हैं
अपने आसपास निर्मित होने वाले वस्तुओं पर स्वाभिमान पूर्वक उनके उपभोग किए। स्वदेशी का मूल मंत्र और सर्वोदय का मूल मंत्र, ट्रस्टीशिप का मूल मंत्र, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र, सत्याग्रह का मूल मंत्र आज भी प्रासंगिक हैं और इन्हीं मूल मंत्र को ध्यान में रखकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति पर इस पर अमिट छाप है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनकी समाधि राजघाट पर पहुंच रहे हैं दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार पहुंचे इन राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, प्रतिनिधियों का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट। जय। बिल्कुल, तो राजघाट पर तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ये प्रमुख हैं जो आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर, उनका आना जारी है। और राजघाट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका खादी से बना अंगवस्त्र उन्हें ओढ़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो राष्ट्राध्यक्षों का, इन प्रमुखों का भारत आने का, भारत में जो ये पहुंचे हैं G20 समिट में शिरकत करने के लिए, एक इतिहास यहाँ पर रचा गया है। लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है राजघाट पर। इमैनुअल मैक्रों राजघाट पहुंच चुके हैं और विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। पूरे विश्व भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, नेता, राष्ट्राध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुँचे हैं और आज सम्मेलन के दूसरे दिन पहला कार्यक्रम के तौर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम के तौर पर राजघाट पर सभी राष्ट्राध्यक्ष और इमैनुअल मैक्रों का बेहद गर्मजोशी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के अंगवस्त्र के द्वारा, खादी का वह वस्त्र जो कि भारत, भारतीयता का प्रतीक, हाथ से बुना हुआ ये खादी हैंडलूम जो भारत के कारीगरों की, भारत की ब्रांड खादी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और हम देख सकते हैं जो इस वक्त जो बैकग्राउंड में साबरमती आश्रम की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने अतिथियों को इस तस्वीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं साबरमती आश्रम के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इस तस्वीर की महत्व के बारे में जो इस वक्त हमारे पीछे हम देख रहे हैं, तमाम अतिथिगण जो पहुँचे हैं राजघाट में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सहज एक उनका अंदाज़ है, उनका लहजा है, जिस तरह से तमाम अपने अतिथियों को बहुत ही आत्मीयता के साथ उनका स्वागत करते हुए और उन्हें इस तस्वीर के बारे में जानकारी देते हुए, महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के संदर्भ में जो तमाम बातें यहाँ पर वो साझा कर रहे हैं उनसे। तो किस तरह से वंचितों, समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की सेवा करने के उनके मिशन का अनुकरण करना कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लगातार विभिन्न मंचों पर, कल G20 के मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी वो लाभ पहुँचने चाहिए, उसे वो अधिकार मिलने चाहिए और इसी के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। कैसे जो प्रगति है वो मानव केंद्रित तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन रहा है। भारत ने कई उल्लेखनीय पहल इसमें की हैं, एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर रही है भारत की कि कैसे जो हमारा आगे बढ़ने का जो नज़रिया है, GDP ग्रोथ का जो नज़रिया है, उसे बदल के कैसे हम उसे मानव केंद्रित कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पीपल ओरिएंटेड कर सकते हैं, अपनी प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम
सतत भविष्य के लिए सतत विकास की बात करते हैं। हरित विकास समझौते की प्रगति में हम जब तेजी लाना चाहते हैं तो कैसे 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को हमें मजबूत करना होगा, और इसके लिए लगातार भारत जो है वो अपना पहर बढ़ा रहा है। और आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से भारत इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ मुखर कर रहा है, और बिल्कुल हम तैयार हैं नेतृत्व के लिए। तकनीकी परिवर्तन की बात करें या फिर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की बात करें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो भविष्य के क्षेत्रों को अत्यधिक प्राथमिकता हम यहाँ देते हैं। लैंगिक समानता की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, या फिर विश्व शांति की बात हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसे सुनिश्चित करने के लिए अब हम तमाम लोग, हम सभी देश सामूहिक रूप से काम करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद हैं राजघाट पर तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। दुनिया भर से आए ये राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। किस तरह से इस वक्त तमाम विश्व के नेता भारत में मौजूद हैं एक सार्थक चर्चा के लिए। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी करने के लिए प्रस्तुत हैं राजघाट पर। राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग का स्थल रहा। दक्षिण अफ्रीका में ही एक बैरिस्टर के रूप में पहुंचे महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने रंगभेद नीति का उन्होंने विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लोगों को सत्य के आग्रह का पहला पाठ सिखाया। दक्षिण अफ्रीका में ही लोगों ने महात्मा गांधी ने वो तथ्य स्थापित किया जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि किस तरीके से एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपने हितों के पोषण के लिए सत्याग्रह का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं सिरिल रामाफोसा जो कि पहुँचे हुए हैं राजघाट एक विराट व्यक्तित्व को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने न केवल भारत के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लिए, न केवल एशिया के लिए बल्कि समूचे यूरोप और अफ्रीका के देशों के लिए ऐसे सिद्धांतों और मानकों का प्रतिपादन किया जिन्होंने अनेक देशों के निर्माण में, अनेक महापुरुषों के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना अनुपम योगदान दिया। राजघाट से सीधा प्रसारण, जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख, संस्था प्रमुख, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। बिल्कुल, लगातार हम देखते रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री हमेशा से ही महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की बात कहते रहे हैं। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार एकजुट रहता है भारत, और गांधी के विचारों को ही आत्मसात कर हम आतंकवाद, उग्रवाद और तमाम उस नफरत से लड़ सकते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से मुकाबला की और पर्यावरण की रक्षा की, तो कहीं ना कहीं जो उनके विचार रहे हैं महात्मा गांधी के, किस तरह से उन्होंने आज भी महात्मा गांधी विश्व के उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आशा का किरण है जो समानता, सम्मान, समावेश और सशक्तिकरण से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। विरले ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मानव समाज पर उनके जैसा गहरा प्रभाव छोड़ा हो। महात्मा गांधी ने भारत को सही अर्थों में सिद्धांत और व्यवहार से जोड़ा था। जी हाँ, यहाँ पर किस तरह से हम लगातार ये जिक्र करते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। इतनी विविधताओं वाला कोई देश अन्य देश शायद ही धरती पर हो। शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए हम सभी को एकजुट किया, जिसने लोगों को मतभेदों से ऊपर उठाया और वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया, तो वो महात्मा गांधी थे। और उन्होंने इसकी शुरुआत भारत से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से की थी।
बापू ने भविष्य का आकलन किया और स्थितियों को व्यापक संदर्भ में समझा और वे अपने सिद्धांतों के प्रति अंतिम सांस तक प्रतिबद्ध रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक बार फिर ये याद दिलाया कि बापू के जो विचार हैं वो 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय में थे। आज भी हम बापू के विचारों के जरिए कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनका सामना आज ये दुनिया कर रही है। आज आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और विचारहीन नफरत देशों और समुदायों को कहीं ना कहीं विभाजित करती नजर आती है। तो यहाँ पर शांति और अहिंसा के बापू के स्पष्ट आह्वान से हम मानवता को एक बार फिर एकजुट कर सकते हैं। और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य रखा। वसुधैव कुटुंबकम का वो ध्येय वाक्य जो हमारे सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता से आता है, जो ये कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि यह मेरा है और यह किसी और का, यह भेद करना ये तुच्छ मानसिकता छोटी सोच होती है। उदार चरित्र वाले व्यक्ति पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं और इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर स्थापित करते हुए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा दिया और यही हमारा ध्येय वाक्य रहा G20 शिखर सम्मेलन में, जो कि मानव केंद्रित विकास की बात करता है। भारत ने पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था के विकास आधारित GDP ग्रोथ आधारित अर्थव्यवस्था की नीति को हटाते हुए भारत ने स्थापित किया कि मानव केंद्रित विकास बेहद ज़रूरी है 21वीं सदी में। भारत ने पूरी दुनिया के सामने बड़ी मुखर तरीके से कहा कि एक बहुपक्षवादी बहुलतावादी और बहुपक्षवादी विश्व का निर्माण बेहद ज़रूरी है मानवता के कल्याण के लिए। भारत ने दुनिया को बताया कि किस तरीके से प्लेनेट पीपल पीस और प्रॉस्पेरिटी, जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन में जिसको शामिल किया गया है, वो बेहद ज़रूरी है मानवता के कल्याण के लिए। और इन सभी सिद्धांतों को अगर देखें तो इनमें महात्मा गांधी से प्रेरणा ली गई है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समाहित किया गया है। महात्मा गांधी के वो सिद्धांत जो सर्वोदय की बात करते हैं, वो सिद्धांत जो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, न्यासिता की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, जो किसी तरीके के भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं, जो किसी तरीके के लैंगिक भेदभाव अस्पृश्यता का सामना करना, जो किसी तरीके के असमानता को बढ़ावा देने के विचार का विरोध करता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, तो उन्हीं सिद्धांतों को एक कदम और आगे ले जाते हुए भारत ने महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कही। उसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए, उसी से सीख लेते हुए भारत ने मानव केंद्रित विकास की बात दुनिया के सामने रखी और वो दिल्ली घोषणा पत्र में दिख रहा है, वो G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में साल भर में पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से हमने भारत भारतीयता के मूल्यों को, गांधी जी के जीवन दर्शन को, गांधी जी के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पूरी दुनिया को बताया कि नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी जिसमें गांधी की आवाज़ भी होगी, ग्लोबल साउथ की भी आवाज़ होगी, जिसमें विकासशील देशों की आवाज़ होगी, जिसमें एक समतामूलक कल्याणकारी विश्व निर्माण का लक्ष्य होगा। बिल्कुल, एक ऐसा समय है जब पूरा विश्व इस वक्त जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, ये वो विषय है जो इस वक्त चर्चा के केंद्र बिंदु में है और कहीं ना कहीं आज भारत ने ये दिखा दिया कि दुनिया को आज भी गांधी के विचारों से वो सहारा मिल सकता है, वो दिशा मिल सकती है कि हम जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं या पर्यावरण की रक्षा की बात कर रहे हैं तो कैसे इस दिशा में एक साथ मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। प्रकृति है तो विकास भी है। जी हाँ, विकास भी और विरासत भी, ये है भारत का मूल मंत्र जो लगातार हम देख रहे हैं और कैसे 1909 में गांधी ने इन विचारों को उस वक्त पूरी दुनिया के साथ साझा किया था कि जब उन्होंने कहा था कि कैसे मनुष्य को अपनी ज़रूरत और उसके लालच के बीच के अंतर को समझना होगा, उस अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय कैसे हम संयम और करुणा दोनों का अनुपालन कर सकते हैं, ये सलाह उन्होंने उसी वक्त दी थी और खुद इसका पालन करके एक मिसाल कायम की थी। आज एक बार फिर 21वीं सदी जब एशिया की है, 21वीं सदी हमारी है, ये वक्त
हमारा है, ऐसे में किस तरह से हम गांधी के विचारों को आत्मसात कर पूरे विश्व के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों को समानता, सम्मान और समावेश के साथ उनका जीवन यापन करने में की मदद कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर G20 की अध्यक्षता के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ के साथ कैसे बढ़ा जाता है, लेकिन अपने हित को भी ध्यान में रखते हुए एक बेहद स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को कि दुनिया के इस हिस्से की मुश्किलों को, इस हिस्से के मुद्दों को अब आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का, लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजघाट जहां पर सत्य अहिंसा के पुजारी, शांति के अधिष्ठाता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ज्योतिपुंज के रूप में विद्यमान हैं, जहां से पूरी दुनिया सत्य अहिंसा सत्याग्रह की सीख पूरी दुनिया सीखती है, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का पाठ यहीं राजघाट से पूरी दुनिया आज देखेगी कि किस तरीके से दुनिया के ताकतवर देश, G20 सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष प्रतिनिधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राजघाट, और उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दुनिया के अनेक दिग्गज महापुरुषों पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा, अगर देखें तो चाहे दलाई लामा हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, या फिर अनेक ऐसे लोग अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सबके ऐसे कथानक हैं, ऐसे कथन हैं जो ये बताते हैं कि एक विराट व्यक्तित्व के रूप में पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती है, भारत महात्मा गांधी को इसी रूप में पूछता है, और पूरी दुनिया और दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, विनयावनत होंगे, श्रद्धावनत होंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे राजघाट पर, जहाँ उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के विचारों के प्रतीक, गांधी जी के संस्कारों के प्रतीक खादी के अंगवस्त्र से उनका स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी खासियत है हमारी विविधता, और कैसे इस विविधता में एकता के मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार इसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, कैसे एक उत्तरदायी, समावेशी और सामूहिक समाधान यहाँ पर तैयार किया है भारत ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुँच चुके हैं राजघाट और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी उपाधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी, जो कि पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में एक क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय पहुँचे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। बिल्कुल, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन दुनिया भर में जो बाइडेन के नाम से मशहूर हैं, और बेहद महत्वपूर्ण ये उनका भारत दौरा है। G20 में शिरकत करने के साथ साथ भारत के साथ जो अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच के और प्रगाढ़ होते संबंधों में, और जया अगर देखें तो इससे पहले अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब भारत का दौरा किया था तो उन्होंने अपने उस दौरे को तीर्थयात्रा कहा था, और राष्ट्रपति जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से, अंगवस्त्र से, ये हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो बाइडेन ने। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे, और 20 जनवरी 2021 को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और एक बार फिर यहाँ पर
जो पीछे तस्वीर है साबरमती आश्रम की, उसके बारे में से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री है, एक बहुत ही आत्मीयता से भरा रिश्ता है, एक कनेक्ट है और लगातार उसकी झलक हम देखते हैं। गांधी जी के विचारों को आत्मसात करके किस तरीके से एक समतामूलक समाज और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ बंधुत्ववादी विश्व के निर्माण की पूर्व पीठिका लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता, विश्व कल्याण के लिए गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, जो उनके नियम हैं, जो उनके सपने हैं, उसको चरितार्थ करने में जो नीति निर्माता नीतियों का निर्माण करते हैं, वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं राजघाट पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजघाट पर पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब बराक ओबामा ने गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें किसी भी रियल हीरो से मुलाकात करने की उनकी जो लालसा है वो महात्मा गांधी हैं, और एक वास्तविक हीरो के रूप में, एक वास्तविक नायक के रूप में वो महात्मा गांधी को मानते हैं। तो दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर, दुनिया के अनेक महापुरुषों के ऊपर, दुनिया के अनेक देशों के ऊपर अमिट छाप है गांधी जी की, गांधीवादी सिद्धांतों की, गांधी जी के मूल्यों की, और पूरी दुनिया उन मूल्यों से उर्ण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का जो पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने दुनिया को सिखाया कि कैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से लोग रह सकते हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, पहुंच चुके हैं राजघाट, जो कि जिनकी अगवानी की भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने, और वो पहुंच रहे हैं राजघाट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं राष्ट्राध्यक्षों की अगवानी करने के लिए। बिल्कुल, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल कर जनवरी 2023 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वो ब्राज़ीलियन ऑर्डर ऑफ मेरिट समेत कई पुरस्कारों और पदकों से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में दिग्गज नेता इस वक्त राजधानी दिल्ली में है और इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति ब्राज़ील पहुँचे हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और खादी के अंगवस्त्र से उनको पहनाते हुए और उनसे बातें करते हुए और उनको बताते हुए कि क्या महत्व है इसका। साबरमती आश्रम का और गांधी का, जी हाँ, वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए जिस तरह से दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख भारत का रुख कर रहे हैं, भारत को देख रहे हैं, और आज इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा है G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत में, और भारत उन्हें दे रहा है वो समाधान जो उत्तरदायी है, समावेशी है, और एक सामूहिक समाधान तैयार करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं यहाँ भारत की है, जो समावेशी है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होगा भविष्य को आकार देने के लिए, एक अवसरों को निर्माण करने के लिए, नवाचार को प्रेरित करने के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए। ये वो भारत है जो आज हर बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण से जुटे हुए हैं, और दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के जरिए देख रही है कि कैसे एक भारत स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में, और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज़ के रूप में, विकासशील देशों के एक मुखर प्रतिनिधि के रूप में भारत का उदय हो रहा है, और किस तरीके से भारत के शक्तिबोध को दुनिया नए तरीके से व्याख्यायित कर रही है, तब जबकि भारत के नीतियों को, भारत की रीतियों को, भारत के सिद्धांतों को, भारत के मूल्यों को, भारत की इच्छाओं को समावेशी
रूप में समाहित किया गया है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में, जो कि सर्वसम्मति से, आम सहमति से कल स्वीकार किया गया G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन आज उसका दूसरा दिन, और दूसरे दिन इस सम्मेलन में आने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और अनेक संस्थाओं के प्रमुख पहुँचे हैं राजघाट। वो लगातार पहुँच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं इन विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा से गांधी जी के सर्वप्रिय वस्त्र खादी से उनका अलंकरण कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा राजघाट का क्षेत्र आज शक्ति केंद्र बना हुआ है दुनिया की सभी ताकतवर देशों के प्रमुखों के आगमन का, जो कि यहाँ पर पहुँचेंगे नई ऊर्जा से, नई प्रतिबद्धता से, विश्व कल्याण के लिए प्रेरित होंगे, उन सिद्धांतों को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे, आत्मसात करेंगे और उनका अपने जीवन में अनुशीलन परिशीलन करेंगे, जिससे कि मानव केंद्रित विकास की मूलधारा को आगे बढ़ाते हुए विश्व कल्याण के नीति को स्थापित किया जा सके, विश्व कल्याण की भावना को चरितार्थ किया जा सके, उसे धरातल पर लाया जा सके, और इन्हीं मूल्यों को स्थापित किया भारतीय राजनीति में और विश्व राजनीति में, भारतीय नीतियों में और विश्व परिदृश्य में महात्मा गांधी ने, जिन्होंने सत्य को ईश्वर का रूप बताया, अहिंसा को परम धर्म बताया और सत्याग्रह को सबसे बड़ा हथियार बताया सामाजिक परिवर्तन का, राजनीतिक परिवर्तन का। और इसी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के इस हथियार के जरिए, इस सिद्धांत के जरिए अनेक देशों के भौगोलिक और ऐतिहासिक कथानकों का निर्माण हुआ, इतिहास और भूगोल बदले पूरे ग्लोब के, और भारत की शक्ति को, भारत के सामर्थ्य को, भारत के सिद्धांतों को दुनिया ने देखा। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ और साथ ही साथ अन्य जो विदेशी मेहमान हैं उनके साथ राजघाट पर मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अग्रसर हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि महात्मा गांधी के आदर्श विचारों को, उनके प्रयासों को और अधिक उसका प्रचार प्रसार करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना, और किस तरह से आज की 21वीं सदी में भी उनके विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना एक प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है। उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक हैं वो आज भी 21वीं सदी में लगातार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गांधी के विचारों से उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। भारत के 140 करोड़ भारतवासियों के आकांक्षाओं को, उनके सपनों को साकार करने का जो मानदा है, जो एक प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को मिलती है महात्मा गांधी के विचारों के जरिए। और देखिए ये अद्भुत दृश्य राजघाट पर इस समय, जब दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि इस समय वहाँ पर मौजूद हैं और वो पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि की तरफ। राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, मैक्रॉन, लूला डी सिल्वा, एंथनी एल्बनीज, ऐसे अनेक राष्ट्राध्यक्ष इस समय मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए।
Your Highnesses and Excellencies, thank you for joining us for this special occasion at Rajghat. I will now request the leaders to kindly step forward and adjust the country ribbons on the wreaths, please. We shall now have a moment's silence, please. Thank you, Excellencies. Rajaram, 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 Rajaram,
इस समय G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों प्रतिनिधियों ने राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगर इनमें देखें तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज, जॉर्जिया मेलेनो, जोको विडेडो, रेचेप तैयब अर्दोआन, सिरिल रामफोसा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल समेत अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। ऐसा क्षण जया अगर देखें तो कभी कभी आता है कि जब दुनिया के इतने बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचकर श्रद्धावनत हों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने। और महात्मा गांधी जी के ही लिए कहा गया है कि एक युग प्रवर्तक के रूप में, एक युग निर्माता के रूप में महात्मा गांधी को पूरी दुनिया याद करती है। ये दृश्य आप देख रहे हैं कि कैसे G20 शिखर